हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम चूड़ा। इसको छन्नी से अच्छा से छान कर लिया है, जो भी गंदे चाहे डस्ट थे उसको निकल जाए। तो चलिए चलते हैं पैन की तरफ। पैन गरम हो चुकी है, इसमें मैं ली हूँ 2 चम्मच तेल। अब मैं डाल दूँगी चूड़ा। चूड़ा को मीडियम फ्लेम में भूनना है, इसे लगातार चलाते हुए ही भूनना है फ्रेंड, नहीं तो चूड़े जो है जलने लगेंगे। लगातार ऐसे चलाते हुए भूनना है फ्रेंड, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इसे क्रिस्पी हुए कि नहीं ऐसे चूर के देखना है। देखिए ये क्रिस्पी हो चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद करते हैं, 5-6 मिनट तक इसे टाइम लगता है फ्रेंड्स भूनने के लिए। वही कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ, 2-3 चम्मच। ऑयल गर्म हो चुकी है, मैं इसमें ऐड करती हूँ 1/2 कटोरी मूंगफली। इसको धीमे आंच में इसको फ्राई करूंगी। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे ये मूंगफली, इसमें ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी राई। उसके बाद अच्छे से इसे बादाम को फ्राई होने तक भूनना है, 2-3 मिनट तक भूनने हैं फ्रेंड्स इसको। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए। आप सादा भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कलर थोड़ा अच्छा आता है। मूंगफली मेरी भून चुकी है, तो इसमें ऐड कर रही हूँ चूड़ा और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। मूंगफली डालने के बाद 1-2 मिनट और मिक्स करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा सेव भुजिया। आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए टेस्टी टेस्टी चूड़ा फ्राई रेडी है घर पे। आप बनाइए और बताइए कैसी लगी ये चूड़ा फ्राई। सेव भुजिया डालने के बाद ज़्यादा नहीं चलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो पहले से ही छना हुआ रहता है, तो उसको ज़्यादा चलाने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं सर्व करने के लिए प्लेट में लगाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।